Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, made to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your Hindi Surbhi book. Chapter number 4. सामने खड़ा आज का स्वागत करें. देखो चैप्टर से ही पता चल रहा है, सामने खड़े आज का स्वागत करें, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना. ठीक है, आ जाते हैं अब कहानी पे. क्या लिखा हुआ है कहानी में? मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, ना मेरा मन ही होता है कि तय किए रास्ते पर एक नज़र फेंक लूँ. मैंने एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपना नाम नदी में डालता हूँ तो उसका लंगर काट फेंकता हूँ. बीते हुए समय की तरह भविष्य की चिंता मैं नहीं करता. जब यह ज्ञात नहीं है कि क्या होने वाला है तो कल्पित खतरों के लिए क्यों सोचूं? इस प्रकार की मूर्खता से अपने दिल में क्यों कमजोरी आने दूं? तूफान आएगा ही, ऐसा क्यों मान बैठूं? और तूफान तो आते ही रहते हैं, उनसे बचना अच्छा है या लड़ना? बचने की बात सोचने वाला है वह ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाता. जंगल में निकली बकरी कब तक बचती फिरेगी? देखो बच्चे, इस कहानी में ये यही बताना चाहता है. ठीक है, ये बच्चे पहले तो ये बताऊंगी, ये कहानी लिखी है डैन हेमोशोलर ने लिखी है. और इस कहानी में उन्होंने बताया है कि आने वाले समय की, वो कहते हैं मैं क्यों चिंता करूं, भी मैं आज भविष्य की चिंता क्यों करूं, क्या पता क्या होना है कल नहीं होना. हम भी ऐसे सोचते हैं कि मैं बीते हुए या आने वाले समय की क्यों चिंता, जो बीत गया उसका तो चलो बात ही ख़त्म है, पर आने वाले समय की मैं क्यों चिंता करूं? क्योंकि आने वाला जो खतरा है उनसे अगर आ गया तो हमें लड़ना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर नहीं है तो हम कल के बारे में सोचकर हम अपना आज भी क्यों ख़राब करें? वही चीज़ ये इस कहानी में बताना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें कल की चिंता नहीं करनी है. ठीक है, कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जब होगा तब देखेंगे. ठीक है, क्या ज़्यादा दिन तक बच पाते हैं? जंगल में निकली बकरी कब तक बचती फिरेगी? ठीक है, अब देखो जंगल में बकरी होगी, एग्जांपल दी उन्होंने, अगर वो जंगल में है तो वो कब तक बचेगी? ठीक है, जब तक उसकी जान लिखी हुई है, जब उन्होंने मरना है तब मर नहीं है, वो चीज़ के बारे में बता रहा है. बचने की तरकीबें सोचने के बजाय मैं तूफानों से लड़ने की ही बात पसंद करता हूँ, क्योंकि लड़ने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस कमर कसकर खड़े हो जाइए. हिम्मत आपसे आप नसों में दौड़ने लगेगी, आंखें चमकने लगेंगी, फेफड़े खुल जाएंगे, भुजाएं फड़ने लगेंगी, मन कहेगा पर्वत हूँ. ऐसे कई तूफान मुंह की खाकर लौट गए, मुझसे टकराकर कितनी आंधियां चूर चूर हो गई, और दिल का दरिया गर्ज गर्ज कर घोषणा करेगा. यह है आदमी का दिल, है आदमी का मजाक नहीं, जो प्रतिकूल है उसे लील जाना है. कितने बेड़े गर्क हो गए हैं. यह है, देखो बच्चे, वो कह रहा है कि बचने की तरकीबें सोचने के बजाय मैं उन जो आने वाला समय मैं उससे लड़ूं. ठीक है, डट कर खड़ा हूँ उसके सामने, भी जो भी होगा मैं उसको देखूंगा, भी मैं उसका सामना करूंगा. भी सामने अगर मैं उससे आज ही सोच कर मैं डर गया, मैं भीत हो गया, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? ठीक है, तो मैं आने वाली परेशानी से डरता नहीं हूँ, मैं उससे खड़ा रहूँगा जब तक मुझे ये चीज़ सहनी पड़ी. ठीक है, आगे है, ये दो स्थिति जब मेरे सामने आती हैं तो मैं आजीवन संघर्ष की स्थिति ही चुनता हूँ, क्योंकि वह स्वास्थ्य की स्थिति है, तन और मन को पोषण देने की स्थिति. आप ही बताइए कि क्या इतना बड़ा टॉनिक किसी फार्मेसी ने अब तक बनाया? इसके विपरीत दूसरी स्थिति दुर्बलता की स्थिति. सोचते रहिए, विपत्तियों की दिमागी फसल काटते रहिए, उन फर्जी खतरों से बचने के उपाय में झोंकते रहिए अपनी शक्ति और साधना. नींद हराम हो जाती है और आदत पड़ जाती है विपत्तियों से इंतजार की. खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है, भूख प्यास में जायका नहीं रहता,
सही बात भी निंदा लगती है और हर आदमी पर शक लगाता है कि कहीं वह कुछ तड़प नहीं ले, मुझे गड्ढे में ना ढकेल दे। देखो बच्चे, वो कहता है एक है स्थिति, जैसे कि कहता है ये दो स्थिति हैं, जब मैं मेरे पास सामने आती है तो मैं जीवन की संघर्ष की स्थिति ही चुनता हूँ। क्योंकि वो संघर्ष की स्थिति क्यों चुनता है, क्योंकि कहता है वो जो दूसरी जब स्थिति दुर्बलता की स्थिति है उसमें वो विपत्तियों से दिमागी फसल काटते रहिए कि मन में मतलब कि अपने खतरों को उपाओ और झोंकते रहिए और अपनी शक्ति की साधना। नींद हराम हो जाती है और आदत पड़ जाती है विपत्तियों से इंतजार की, खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है। ठीक है, हम कि जैसे ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो क्या होता है, उसका कोई ना ही हमारी ज़िंदगी में कोई रोल होता है ना, बस अपना दिमाग में फालतू का दिमाग खराब करना। वो चीज़ कह रहा है कि हर आदमी पर शक जाता है कि वो करेगा, वो फलाना होगा, वो ऐसे होगा, पर इस चीज़ों से हमें दूर रहना है। ठीक है, हमें अपनी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, कि आने वाले समय के बारे में नहीं, हमें आज के समय के बारे में सोचना है। बताइए क्या वह जीने योग्य स्थिति है। देखो देखो बच्चे, हम कुछ सोचते ही रहेंगे। वो कहता है क्या ये जीने योग्य स्थिति है। आशंका में जर्द चेहरा हरदम पुकार पुकार कर कहता है वक्त बुरा है भाई, संभल कर चलो, फूक फूक कर कदम रखो धरो, ना जाने किस वक्त क्या हो जाए, जमाने का कोई ठिकाना नहीं, अक्सर लेने के देने पड़ जाते हैं, देखते नहीं ये कितने दूध के जले छाछ फूक फूक कर पी रहे हैं। और उधर भीतर में दिल का वह तंग हुआ कांपते स्वर में कहता मिलेगा, मूर्ख ना बनो, पहाड़ से ना टकराओ, अपने विषाद देखो, ये चौपड़ियाँ भरने वाले हाथ पैर टूट रहे हैं, मित्र शत्रु बन रहे, इससे बहुत अशुभ क्या हो सकता है, अच्छा करने जाओ तो बुरा आता है, भला इसी में ही पाँव में बेड़ी डालकर बैठे रहो, जीते जी मृत अधवा क्यों हूँ, अपने ही हाथों जहर का प्याला पीने वाले ऐसे लोगों को जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो दुख और क्रोध से कांप उठता हूँ, दुख इसलिए कि घातक श्रमक बीमारी से ये लोग फैला रहे हैं, उनसे आज की पीड़ा पर क्या बीतेगी, मानवता के बगीचे में ये भावी पौधे क्या अपने मूल में विकृतियों लेकर ही पलेंगे, पोषण के नाम पर उन्हें निराशा अवसाद और कायरता ही मिल रही है, क्रोध इसलिए कि व्यक्तियों की यह नस्ल मिट जानी चाहिए थी, उसे मिटा दिया जाना चाहिए, हमारी सरकार राष्ट्रीय उत्कर्ष की शपथ लेने की धकती ही नहीं, किंतु एक भी कानून एक पुरुषातन लोगों को दंड देने के लिए नहीं बनाए, अपने यहाँ के साहित्यकारों और पुरुषातन प्रेस साहित्य सृजन के लिए सभी प्रोत्साहन नहीं किया, निराशा के साहित्य को रोकने की कभी चिंता नहीं की, शिक्षा के क्षेत्र में उसके बहिष्कार की कभी योजना नहीं बनाई, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहने का ख्याल भी तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा दुख और क्रोध वास्तव में किसी काम के नहीं है, यदि इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आए तो मेरी समझ में दुख का एकमात्र उपयोग नहीं यही है कि जो दुखद है उसे निर्मूल करने के लिए मन के लिए संकल्प जाके जिसे देखकर दुख होता है उसके स्थान पर ऐसी स्थापना हो जाए कि आंखें देखे तो मुरझाना मन खिल उठे, क्रोध का उपयोग भी ऐसे ही हो, क्रोध हमारी जड़ता और कायरता का भस्म कर दे, तब तो उसके उद्देश्य की कुछ सार्थकता है, अन्यथा क्रोध करना तो सबसे आसान मूर्खता है, रोम का सम्राट मार्कस आलिस क्या कहता है, क्रोध रसायन है, यदि आत्मा की देखरेख में उसका सेवन किया जाए, ज्ञानी का क्रोध चतुर वैद्य का रसायन है और मूर्ख का क्रोध घर के चिराग की लगी आग। देखो बच्चे, अब इसमें उन्होंने ये बताया जो दुख है हम किसी में दुख के काम आते हैं तो दे वो क्या है, पीड़ा किसी को समझते हैं, ठीक है, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्रोध ये होता है जो कि हम अपनी भावना है सारा कुछ निकाल कर चिंगारी लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वास्तव में क्या होगा, वो लड़ाइयाँ ही पड़ती हैं ना उसी चीज़ के बारे में, मूर्ख का क्रोध घर में चिराग की आग लगी क्रोध, वैसे ही कहा है उन्होंने। अमेरिका में बसे भारत के एक योगी महंसम स्वामी योगानंद के यहाँ एक दिन मैं गया था, प्रार्थना शुरू होने ही वाली थी कि मैं रुक गया, प्रार्थना का गीत कमरे के गूंजने लगा, पहले कुछ देर तक सिर्फ दवनी ही आती रही, वायुमंडल को अपने वशीकरण में लपेटती रही, फिर शुरू हुई शब्दावली और मेरी आँखें अनायास ही बंद हो गई कि सारे वातावरण में श्रद्धा का सौरभ फैल रहा था, प्रार्थना के जो शब्द थे वो मानो विश्व वांडमय में चुने हुए फूल थे, बड़े अत्यमेय शब्द वे थे, स्वामी जी गा रहे थे और
प्रभु हमें निषेध में बचाओ दुख से नहीं, ठीक है, हमें अपरिचय से बचाओ अहं से नहीं, हमें अगति से बचाओ असफलता से नहीं, हमें अशोक और शोभन से बचाओ और अपिकीति से नहीं। ध्यानिदान मेरी ऐसी सुबुद्धि हो दो कि हम ना का सदैव विष्कर करें, क्योंकि ना की जड़ से शैतान बैठा रहता है, वह हमें सत्य से दूर दूर भटकाता रहता है। इस प्रार्थना को मैं कई बार दोहराता हूँ। दरअसल निषेध से बचना दुख से के कारण शोत्र से बचना है। निषेध एक अतल खाई की तरह आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपसे कहता है रुक जाओ, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है, जाओगे तो खाई में गिरोगे, बस गति रुकी कि सब रुक, तन रुका, मन रुका और भाग्य रुका, ठीक है। यही कह रहा है कि जब हम कोई दरअसल कोई काम करने लगते हैं, अगर हमारा, ठीक है, हम कह दें कि एक बार हमें कह दिया अंदर से भावना ही आ गई कि रुक जा, नहीं करना ये, तो हम रुक जाते हैं, तन को मना लिया, मन को मना लिया, भाग्य को कह लिया। पर क्या होता है तब, मुझे बतलाया गया कि गांधी जी रोज़ डायरी लिखते थे और उनसे गिनते थे कि जीवन में इनकार करने वाली नकारात्मक प्रवृत्तियाँ कहीं बढ़ तो नहीं गई। इतना कड़ा पहरा उन्होंने इन प्रवृत्तियों पर रखा कि वे उनके चिंतन एवं अमल में समर्था निपुण ही हो गई। मानवीय संस्कृति के महान स्तंभ थे मनुष्य समाज के, उन्होंने फिर से विश्वास का पौधा लगाना सिखाया था। निषेध के स्वीकार करके उन्होंने आत्मनिर्भरता और भीतर पैदा कर ली थी कि उनके विरोधी उनका आदर करने लगे। देखो अब उन्होंने एग्जांपल दी है, देखो अपनी भावना को यहाँ पर रोक लिया। पर गांधी जी क्या थे, जो अपनी डायरी लगाई हुई थी उन्होंने कितने लोगों से वो बातें करते थे और कितने लोग उनके साथ थे, कितने लोग उनके नहीं थे, तो वो उस चीज़ की डे बाई डे वो कौन करते थे, वे कितने लोग मेरे साथ हैं, मानवीय लोग जो लोग हैं, मानव लोग कितने मेरे साथ हैं, कितने नहीं हैं। तो पर उन्होंने जो एक विश्वास का जो पौधा लगाया, जिससे क्या हुआ, वो आज तक वो क्या है, सभी लोग उनका आदर तभी करने लगे, ठीक है, उनके विरोधी उनका फिर तभी से आदर करने लगे। उसने वो चीज़ को संभाल के रखा, ठीक है, उन्होंने एक एक चीज़ को, एक पल को। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, जब हम तन और मन को अंदर से हम कमज़ोर बना लेंगे तो फिर वो आगे नहीं कुछ कर पाएगा, जब हम अंदर से उनको मजबूत करेंगे तो वो हमेशा हमारी बात सुनेगा, ठीक है। बीता हुआ कल ऐसा दीपक है जो आप अपना सारा तेल भी चुका है, तेल पी चुका है, उसमें फिर से रोशनी का जागरण नहीं हो सकता। बीते हुए कल की इससे भी अच्छी उपमा पोटाक में दी है। पोटाक एक नायिका कहती है, बीता कल तो उस निर्बल नदी की तरह है जो अपना सारा जल समुद्र में फेंक चुकी है, वह जल अब उसमें वापस आने वाला नहीं है, कोई उसे वापस ला भी नहीं सकता, इसलिए बीते कल का मोह त्यागो, सामने देखो एक कल और आने वाला है, बाहें खोलो उसका स्वागत करो, यह कल यदि तुम्हारे अनुकूल हो गया तो दुर्लभ से दुर्लभ भी तुम्हारा है। देखो बच्चे, यही तो आपको बता रहे हैं इस कहानी में, जो बीता, अब यहाँ पे पटाक ने ये एग्जांपल दे दी उन्होंने कि देखो, उन्होंने भी देखो कहते जो बीता कल है जल के थ्रू बताया उन्होंने, वो बीत चुका, वो बह चुका, ठीक है, पर आने वाला जो कल है उसके लिए हम क्या करें, अपनी बाहें खिला रहे और आने के लिए तैयार रहे वो समय के लिए, ठीक है। हमने क्या करना है, सोच के रखना है, ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, वो तो बाद की बात है, पर दो सीमाओं का शोर है जिनके बीच काफ़ी लंबी दूरी है, एक भूतकाल और दूसरा भविष्य, एक शव है और दूसरा गर्भ, एक स्मृति है दूसरा स्वप्न, अक्सर दोनों में प्रति से ही नहीं है। शव की पूजा सबसे अनुरिक्त जितनी बड़ी नादानी, स्वप्न की उपासना उतनी ही बड़ी भांति, एक मोह और ज्ञान और दूसरा भ्रम, मैं इन दोनों के बीच सेतु बनाना अच्छा मानता हूँ। आकाश अगर समुद्र के बीच धरती के रूप में सेतु का निर्माण प्रकृति से विषय संस्कार समझा, इस सेतु को मैं वर्तमान कहता हूँ। उपमा को निभाने के लिए धरती कह लीजिए इसे, यह धरती ही हमारा सब कुछ है, अब वर्तमान यह आज ही चरम सत्य है, यहाँ शब्द जैसी जड़ता नहीं बल्कि अंकुर जैसा चैतन्य है, यहाँ स्वप्न जैसा भ्रम नहीं बल्कि सूर्योदय जैसी स्पष्टता है, इसे हम अपनी कर्म भूमि बनाएं, जीवन का सोना इसी खान से खोदें, मन के मोती यही प्राप्त करें, क्योंकि इस कर्म भूमि के सिवाय वे कहीं नहीं मिलेंगे, इस आज के बाद शायद मैं हमारे भाग्य के सदाव के लिए लुप्त हो जाएं। तो बेहतर यही है कि हम ना भूत को बुलाएं ना भविष्य का इंतजार करें, हम उठकर आगे बढ़ें और कमर कसकर सामने खड़े आज का स्वागत करें।
ठीक है, उन्होंने यही प्रेरित किया है आज के बारे में। तो बच्चे इस कहानी में हमने यही कहा कि अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर हमें वर्तमान को बलि बांधे जीने की प्रेरणा दी है। मनुष्य प्राय अतीत और भविष्य की चिंता के में वर्तमान और बहुमूल्य समय खो लेता है। ठीक है, हम अतीत और भविष्य के समय को लेकर चिंतित रहते हैं, पर क्या है उसकी वजह से हम अपने आज के समय को भी क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो असफलता ही प्राप्त होती है, तो ऐसे में हमें असफलता प्राप्त होती है, इसलिए हमें आज के बारे में सोचना, आज का निर्णय करना है कि हमने क्या करना है। ठीक है, इस कहानी में उन्होंने यही बताया। ठीक है बच्चे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।